तो हेलो फ्रेंड, आप भी अपना फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करना है दोस्तों, आज मैं आपको परमानेंटली डिलीट करके दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले अपना फेसबुक को ओपन कर लेना। अगर ओपन करने से पहले अगर आपने फेसबुक को अपडेट नहीं किया तो पहले अपडेट कर लेना। अगर आपको अपडेट करना नहीं आता तो मेरे इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख अपडेट कर पाएंगे। तो पहले अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे एक 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे अकाउंट खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अकाउंट का नाम दिख रहा है। अगर आप इस अकाउंट के माध्यम से कोई पेज बनाए तो आपको यहाँ पे पेज भी शो करेगा। मैंने पेज नहीं बनाया इसलिए मेरा पेज शो नहीं कर रहा। और एक बात, अगर इस अकाउंट को अगर डिलीट करते हैं तो अगर आपने पेज बनाया तो ये पेज भी उसके साथ साथ डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप डिलीट ही करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन दिख रहा है, सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिए आपका सेटिंग ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट सेंटर का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट फिर से खुल के आ जाएगा। अगर इस अकाउंट के साथ अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर लिंक किया तो आपको दिखेगा, अगर आपने लिंक नहीं किया तो आपको ये सिंगल ही दिखेगा। लेकिन डिलीट कीजिएगा तो केवल आपका फेसबुक अकाउंट ही डिलीट होगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा पर्सनल डिटेल का ऑप्शन, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ दिख रहा होगा। तो आपको कुछ करना नहीं, आपको नीचे आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 स्टेप खुल के आ रहा है। पहला स्टेप मेमोरियलाइजेशन का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा दिख रहा है डीएक्टिवेट और डिलीशन का ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर आपको डिलीट करना है तो नीचे वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से अपना फेसबुक अकाउंट देखने को मिलेगा, तो अपना फेसबुक अकाउंट पर ही फिर से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहले बोल रहा है डीएक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है डिलीट योर अकाउंट। यहाँ पे आपको डीएक्टिवेट का ऑप्शन पर सिलेक्ट दिख रहा है। अगर आप डीएक्टिवेट करते हैं तो कुछ दिन के लिए आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और वो आपका मोबाइल में नहीं दिखेगा। अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आपको नीचे वाले पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं नीचे वाले पर डिलीट पर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अपना यहाँ से आप फेसबुक अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते, आपको कोई रीजन एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 5 रीजन दिया गया है दोस्तों, इस 5 रीजन में से आपको एक को किसी को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं फर्स्ट वाला को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको पहले वाला बोल रहा है कि आई एब्सेंट टू द मच टाइम ऑन द फेसबुक, मैं फेसबुक में बहुत ही ज्यादा टाइम बिताता हूँ दोस्तों, इसलिए मैं फर्स्ट वाला को सिलेक्ट लिया। इसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू का फिर से ऑप्शन आ रहा है, इसी वाले ऑप्शन पर आपको फिर से क्लिक करना है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा परमानेंटली डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन दिखने को। खुलने के बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार से खुल के आ गया। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर अपना फोटो या वीडियो को आप डाउनलोड रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आपको नीचे आना। यहाँ पे आपको देखिए डाउनलोड इन्फो का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप फोटो या वीडियो के जितने भी अपना अकाउंट में सेंड किए तो वो अपना फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफर इन्फो का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ से शेयर भी कर पाएंगे। अगर आपको ये सब कुछ नहीं करना है तो आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दीजिएगा आपको यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगा जाएगा दोस्तों। अगर आपका फेसबुक का पासवर्ड नहीं पता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन का फिर से और एक वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो देख के अपना पासवर्ड को पता कर पाएंगे। अगर आपको पासवर्ड पता है तो यहाँ पे अपना पासवर्ड को फिल कर लेना है। तो ये देखिए मैं अपना यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल कर लिया। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगा डिलीट अकाउंट का ऑप्शन। अगर इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो चलिए मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। इसके बाद थोड़ा देर वेट करना है दोस्तों, के बाद ये देखिए मेरा फेसबुक अकाउंट डिलीट होके अपना सामने आ गया। तो इसी प्रकार से अपना फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना। और एक बात दोस्तों, अगर आप इस अकाउंट को डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद आपको 1 महीना तक इस अकाउंट को आपको लॉगिन नहीं करना। अगर आप 1 महीने के अंदर इस अकाउंट को फिर से आप लॉगिन करते हैं तो ये अकाउंट आपको परमानेंटली डिलीट नहीं होगा। अगर आप अकाउंट को लॉगिन नहीं करना चाहते तो आपको फिर से उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को फिल करना है, इसके बाद आपको फिर से वो लॉगिन हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।